तो आज हम आ गए जबलपुर की फेमस काका दाबेली पे। इनकी जो दाबेली है संजीव कपूर ने भी टेस्ट की हुई है, तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अंकल जी नाम बता दीजिए। मैं गुजराती हूँ, वसंत भाई। जबलपुर में तो हमको काका करके बुलाते हैं सब। शुरुआत कैसे की थी आपने? शुरू में क्या हुआ, लोग जानते नहीं थे कि दाबेली मामला क्या है। वास्तव में जबलपुर में आज कम से कम 35 साल हो गया इसको चलाते चलाते, अब समझ में आ रहा है कि दाबेली क्या है। तो वैसे क्या, दाबेली आलू की बनती है। मैं इसको मसाला चेंज कर दिया और पोहा आता है ना उससे दाबेली बनाना शुरू किया। अच्छा। इधर लोग जो पसंद करते हैं ना टेस्ट, वो हिसाब से हमने पोहा का मसाला बनवाया, पूरी रेसिपी चेंज कर दिया, अब चल रहा है, सब छोटे मोटे सब लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैंने सुना है कि दाबेली संजीव कपूर जी ने भी खाई है। 2015 में फूड फेस्टिवल लगता है दिल्ली में, तो वहाँ पर फर्स्ट रैंक मिला। भारत सरकार ने हमको जो स्वागत किया है दाबेली का, बहुत बड़ी बात है। संजीव कपूर ने भी बहुत तारीफ की और उसने भी दाबेली खाई है। ये मसाला है, इसमें पोहा है, लौंग, तज, इलायची, बादियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें, 10-12 आइटम रहती है उसमें मसाले की। लहसुन की मिर्ची वाली फ्राई करने के बाद बनती है सेजवान मिर्ची, और मूंगफली का दाना है, मूंगफली के दाने के बाद ये सेव रहती है, सेव पतली वाली सेव रहती है, बारीक पतली बारीक 0 नंबर की सेव रहती है। तो यहाँ पे हमारी दाबेली लगने जा रही है। पोहा का मसाला डाला, उसके बाद हमने ओनियन डाला, ठीक है उसके बाद में हमने मूंगफली डाली, उसके बाद फिर मसाला लगा दिया, इसके बाद हमने लहसुन की चटनी रहती है फ्राई करने के बाद बनती है, ये लहसुन की चटनी डाल दिया। तो ये आगे प्याज मसाले आ गए, और ये दूसरी बार उन्होंने ऊपर से डाल दिए, और ये आगे गार्लिक चटनी। प्राइस कितना रहता है इनका? 25। और बर्गर का? बर्गर वाला 30 रुपया। 30 रुपये का, ठीक है। इसके बाद हमने इसके मक्खन से फ्राई कर दिया, सेक देते बढ़िया तरीके। हाँ हाँ, तरीके से सेक के उसको थोड़ा सा फ्राई हो गया। ये होने के बाद ये हमने सेव में डाल दिया, ये सेव से इसको तोल दिया, ये रेडी हो चुकी है। जबलपुर की फेमस काका की दाबेली यहाँ पे लग चुकी है। तो ये देखिए, दाबेली इन्होंने थोड़ी मॉडिफाई की हुई है, जैसे कि आपने गुजरात में खाई होगी आपको यहाँ पे वैसी दाबेली नहीं मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने जबलपुर के टेस्ट के अकॉर्डिंग दाबेली बनाई है। तो ऊपर से देख सकते हो इन्होंने सेव डाली हुई है, इसके अंदर जो मसाला रहता है पोहे का मसाला रहता है, और देख सकते हो मूँगफली डाली हुई है, प्याज डाला हुआ है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो काका ने काफ़ी अच्छे से इसको मसालों बनाया, जब आप बाइट लेते हो तो साथ में आपको मूंगफली का टेस्ट आता है, सेव का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी पसंद आती है। टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग में 2 बजे लगाता हूँ, 10 बजे तक शाम को। अच्छा, और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? पूरा हफ्ता ही लगाता हूँ, वैसे कोई छुट्टी का दिन नहीं है। और एड्रेस बता दीजिए कि आपकी दाबेली खाने आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं जो सिविक सेंटर चौपाटी बोलते हैं, अपना दवा बाजार के सामने, मड़ाताल, काका की दाबेली। तो बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस 25 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।